नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। हम बात करने वाले हैं अक्टूबर 2022 की। हम बात करने वाले हैं मिथुन राशि की। आइए जानते हैं मिथुन राशि वालों के लिए अक्टूबर 2022 किस प्रकार से बीतेगा और आपको क्या उपाय करने चाहिए जिससे आपका ये महीना बहुत ही शानदार हो जाए। तो सबसे पहले ग्रहों की स्थिति को समझ लेते हैं। देखिए, अक्टूबर के माह में जो आपकी गोचर कुंडली बन रही है उसमें शुक्र बुध और सूर्य चौथे घर में बैठे हैं, केतु पंचम भाव में है, चंद्रमा अपनी यात्रा छठे घर से शुरू करेंगे, शनि जो है स्वराशि में वक्री होकर बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, और गुरु जो है बहुत ही अच्छा हंस योग बना रहे हैं आपके 10वें घर में, और राहु जो है एकादश भाव में है और मंगल फिलहाल शुरुआती दिनों में 12वें भाव में होंगे। तो राहु और केतु वक्री हैं, गुरु भी वक्री हैं और शनि भी वक्री हैं। तो अब ग्रहों की क्या बदलाव रहेगा इसको जल्दी से समझ लेते हैं। तो शुक्र जो है 18 तारीख को तुला राशि में चले जाएंगे, बुध जो है 24 अक्टूबर को तुला राशि में चले जाएंगे, सूर्य जो है 17 अक्टूबर को तुला राशि में चले जाएंगे, केतु पंचम भाव में ही रहेंगे और चंद्रमा अपनी यात्रा जो है छठे घर से शुरू कर ग्रहों के साथ शुभ अशुभ योग बनाते रहेंगे। और इसके साथ साथ शनिदेव 23 अक्टूबर को जो है मार्गी हो जाएंगे आपके मकर राशि में ही, और मंगल जो है 1 से 15 तक वृषभ राशि में, उसके बाद लग्न में चले जाएंगे, और राहु जो है वो एकादश भाव में ही पूरे महीने बैठे रहेंगे। तो अब आप इस कुंडली में देखिए बेहतरीन क्या हो रहा है। बुध का भद्र योग बन रहा है, गुरु का हंस योग बन रहा है, बुध और शुक्र का श्री लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है और बुध आदित्य योग भी बन रहा है, और गुरु की अमृत तुल्य दृष्टि भी ग्रहों पर होगी जिससे शानदार रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। आपकी दीपावली बहुत ही शानदार होने वाली है, आप ऐसा कह सकते हैं। अब विस्तार से जानते हैं। हमने इस वीडियो को यानी इस राशिफल को अलग अलग 4 भागों में बांट दिया है ताकि आपके लिए समझना आसान हो जाए, आप पजल ना हो, आप एक एक हफ्ते के बारे में संपूर्ण जानकारी लीजिए ताकि आप पूरे महीने को अच्छी तरीके से समझकर अपने लिए शुभ काम कर सके। तो 1 अक्टूबर से 7 अक्टूबर को हम बात करें तो आपकी शुरुआत बहुत अच्छी हो रही है इस महीने की। अक्टूबर का महीना आपके लिए आपकी आमदनी में अच्छी खासी बढ़ोतरी लेकर आ रहा है, आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, आपका पराक्रम बढ़ने वाला है, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होने वाली है। 2 और 3 तारीख को आप बहुत मजबूती से खड़े होंगे, बहुत अच्छी तरीके से अपना काम करेंगे, नौकरी करेंगे, व्यापार करेंगे, घर के काम अच्छी तरीके से करेंगे। जो आपने योजनाएं बनाई थी, जो प्लानिंग थी कि ऐसे करना है, वैसे करना है, ये काम इस तरीके से करना है, उन सब योजनाओं में आपको सफलता मिलती हुई नजर आएगी और आप आगे बढ़ेंगे। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपने सपनों को पूरा होते हुए देखेंगे अक्टूबर के महीने के पहले सप्ताह में। आप अपने लक्ष्य को सही तरीके से चुनिएगा तो और जल्दी आपको रिजल्ट मिल जाएगा। शत्रु, बीमारी, तकलीफें, लड़ाई झगड़ा आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। 4, 5, 6 तारीख को समय ठीक नहीं है, थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। अगर आपकी शादी हो गई है तो आपकी आपकी पत्नी के साथ थोड़ी सी बहसबाजी हो सकती है, घर में पारिवारिक स्थिति बिगड़ सकती है, लेकिन धन आगमन में कोई कमी नहीं होगी, धन आगमन निरंतर होता रहेगा। घर में बड़े छोटों के बीच में मन मुटाव हो सकता है, इसकी वजह से आपके घर का वातावरण टेंशन भरा हो जाए, या आपको कोई चिंता, कोई परेशानी आपको परेशान करेगी जिसकी वजह से आप थोड़े से परेशान रह सकते हैं, लेकिन मैं फिर कहूंगा नौकरी व्यापार धंधा अच्छा चलेगा। कोई गलत फहमी हो सकती है रिश्तों में इन तारीखों में, 4, 5, 6 तारीख को, अब चाहे वो शादीशुदा जीवन हो, प्रेम संबंध हो, दोस्ती यारी हो, ध्यान से रहिएगा। या फिर इन दिनों में जैसा आप चाहते थे, जैसी आजादी आप चाहते थे या चाहती थी, वो आजादी आपको ना मिले, आप पर प्रतिबंध लगा दिए जाए, बंधन लगा दिए जाए, इसकी वजह से आप थोड़े से नाराज हो सकते हैं। 7 तारीख को समय ठीक हो जाएगा,
अच्छी आपकी इंटरव्यू अगर देने जा रहे हैं तो इंटरव्यू दे सकते हैं, अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, आप मान सम्मान पद प्रतिष्ठा को बनाए रखेंगे, उन्नति पूरे सप्ताह में करेंगे। बस 4-5-6 तारीख को थोड़ा सा पारिवारिक टेंशन या कई बार काम काज की टेंशन भी हो सकती है, आपका काम अच्छा चल रहा है, किसी से आपकी लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई वैचारिक मतभेद हो गया, इस तरीके की चीजें हो सकती हैं। बाकी आपके लिए बहुत ही सुंदर शानदार शुरुआत हो रही है, अक्टूबर माह की माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरस रही है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे सप्ताह की, 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक। 8-9-10 तारीख को आपकी नौकरी में, आपके व्यापार में कोई अच्छी बात होगी, आप कुछ ना कुछ बढ़िया करेंगे। हो सकता है आज आप बहुत व्यस्त रहे अपने कामों में, कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है 8-9-10 तारीख को। आज कोई आपको मनचाहा काम मिल सकता है, प्रोजेक्ट मिल सकता है, टीम लीडर बनाए जा सकते हैं। आज के दिन कुछ लोगों को हो सकता है, कोई बच्चे हो उनके माता पिता उनको कंप्यूटर गिफ्ट दे दें, नया मोबाइल गिफ्ट दे दें, तो दिन भर उस मोबाइल को चलाने में लगे रहे, ये नया नया मोबाइल, नया नया कंप्यूटर। हो सकता है व्यापारिक यात्रा आपकी बड़ी शानदार हो, कोई बहुत अच्छी मीटिंग हो 3 दिनों में, कोई सेमिनार अटेंड करें, या कहीं मिलना जुलना हो ऑफिस के काम से किसी सीनियर लोगों से, जूनियर लोगों से, कोई कोर्स वगैरह आप 3 दिन का ज्वाइन कर सकते हैं, या कोई आप 3 दिन का टूर्नामेंट खेल कूद हो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। हर व्यक्ति का अपना अलग अलग काम है, हो सकता है इन 3 दिनों में आपकी खेती से संबंधित कोई बहुत अच्छी योजना बनाए, इन 3 दिनों में हो सकता है आप कोई मकान बनाने की योजना शुरू कर दें, बड़े व्यस्त रहें। शादी की बात पक्की हो सकती है, संतान के जन्म से संबंधित कोई खुशखबरी मिल सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि बढ़िया हो जाएगा इन 3 दिनों में आपकी, आप विदेश जाने के आपके रास्ते खुल जाए, आपकी पीआरशिप की फाइल खुल जाए, आपके ऊपर से कोई संकट कट जाए। 8-9-10 तारीख को बहुत ही बढ़िया खुशखबरी आपको मिलने वाली है, चाहे किसी भी माध्यम से क्यों ना हो। आपका दिमाग जो है वो बहुत शांत रहेगा, खुश रहेगा, आपको लगेगा कि वाह इसी चीज की जो कमी थी वो पूरी हो गई इन तारीखों में। 11 और 12 तारीख को सभी काम अच्छे होता देख, चाहे वो नौकरी से संबंधित हो, चाहे वो व्यापार से संबंधित हो, चाहे वो आयात हो या निर्यात हो, चाहे वो लेन हो या देन हो, सभी काम जब बढ़िया हो रहे होंगे, मन मुताबिक हो रहे होंगे, तो दिल खुशी से पागल हो जाएगा, तो बहुत ही बढ़िया है। हंसेंगे, नाचेंगे, गाएंगे, परिवार में लड्डू लाएंगे, दोस्तों यारों से बढ़िया बातचीत होगी। हो सकता है इन 8-9-10-11 तारीख को, 12 तारीख को आप किसी को चाहते हो वो आपको मिल जाए, जिसके लिए आप बरसों से तरस रहे थे, कोई एग्जाम क्लियर कर लें, आपका साथी, आपका प्रियतम जो विदेश में रहता है वो आपसे मिलने आ जाए, कुछ ना कुछ बढ़िया जरूर होगा। या कोई कोई कोर्ट कचहरी का कोई मामला था जो जिसमें आप विजय हो जाए, आपकी इज्जत पे लगा हुआ दाग खत्म हो जाए, या कोई ऐसी चीज जिसको बरसों से खरीदना चाहते थे वो खरीद लें, उसके लिए पैसे का इंतजाम हो जाए। इस समय में 8 से लेकर 15 तारीख के बीच में बहुत ही शानदार समय है, आप मन की इच्छाएं पूरी कर पाएंगे, लेकिन 13-14-15 तारीख को थोड़ा संभल के रहिएगा, हो सकता है खुशी में आप पागल हो जाएं और कुछ गलतियां कर बैठे, हो सकता है इन तारीखों में आप कोई गलती कर बैठे जिसका परिणाम अच्छा ना हो। अब होगा ये कि आप नींद पूरी नहीं होगी, खाएं पिएंगे ठीक से नहीं तो सेहत खराब हो सकती है। अब सेहत खराब होगी तो जाहिर सी बात है काम अच्छा नहीं चलेगा, व्यापार अच्छा नहीं चलेगा, खर्च बढ़ सकते हैं, अस्पताल का खर्चा बढ़ सकता है, आपकी खुशी में थोड़ा सा अवरोध आ सकता है, रुकावट आ सकती है। तो मैं यही कहूंगा बहुत अच्छा सप्ताह है, बहुत अच्छा महीना है। 8-9-10-11 तारीख को शायद ईश्वर आपको आसमान से आशीर्वाद दे रहे होंगे, आपके माता पिता आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे, आपके बंधुगण आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे, आपने जो पढ़ाई लिखाई करी, आपने जो चीजें चाही वो इन तारीखों में मिल जाएंगी। लेकिन 13-14-15 तारीख को जोश में आकर कोई गलती मत कर बैठिएगा, कदम धीरे धीरे रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं। तीसरे सप्ताह की तरफ बढ़ते हैं, 16 अक्टूबर से 23 अक्टूबर के बीच में बढ़िया समय है, मजा आ जाएगा, नया कारोबार सेट हो जाएगा, पार्टी होगी घर में, मौज मस्ती होगी, लोगों का आना जाना होगा, मन मुताबिक काम होंगे, एंजॉय करेंगे आप।
किसी इंटरव्यू में मन मुताबिक पैकेज मिल जाना, किसी एमएनसी कंपनी में नौकरी लग जाना, किसी सरकारी नौकरी में आपका नंबर आ जाना, बहुत बढ़िया। वक्त को इंजॉय करेंगे आप और जैसा वक्त होगा वैसे बन जाएंगे, एडजस्टमेंट आप बहुत अच्छी कर लेंगे। 18, 19, 20 तारीख आपके पक्ष में होगी, सब कुछ आपके काम बनते चले जाएंगे। एमएनसीज कंपनियां, विदेशी कंपनियों में आपको जुड़ने का मौका मिलेगा, पहले से जुड़े हैं तो प्रमोशन होगा, स्थानांतरण हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। उन्नति, प्रगति, तरक्की की तरफ आपका कदम बढ़ता चला जाएगा, लोगों से मिलना जुलना, सफलता की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे, आमदनी बढ़ेगी, पैसा कमाएंगे, हर तरीके से आपके लोगों से बातचीत अच्छी होगी। पुरानी कंपनी में है वहां पर आपकी इमेज अच्छी होगी, इस कंपनी में बैठे बैठाए आपके पास 4 नौकरियों के ऑफर आ जाएंगे, अच्छा होगा। और साथ ही साथ आप परिवार को भी वक्त दे पाएंगे, अपनी सेहत का भी ध्यान रखेंगे और आराम भी करेंगे। 21 और 22 तारीख को कोई लॉटरी लग जाए, माँ लक्ष्मी की कृपा हो जाए, आशीर्वाद बरस रहा है, ये दीपावली आशीर्वादों से भरी होगी, प्रसन्न होंगे, पैसा आ रहा है, सफलता आ रही है, खुशियां आ रही हैं। आप अपने काम पर ध्यान देंगे, परिवार कि किसी छोटे सदस्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बड़े सदस्य का ध्यान रखिएगा, या कोई भी सदस्य हो, बस ध्यान क्या रखना है कि दिवाली है, पटाखे वगैरह ठीक से चलाइएगा, थोड़ा दूर रहिएगा। 23 तारीख को आप बहुत थकान ग्रस्त होंगे, खुशियों को एंजॉय करते करते आप थक चुके होंगे, और जब आप थक चुके होंगे निश्चिंत हो जाएंगे तो शत्रु आपको परेशान कर सकता है, तो 23 तारीख को शत्रु की गतिविधियों पर नजर बना के रखिएगा ताकि आपकी खुशियों में कोई आग ना लगा सके। 24 अक्टूबर से 31 अक्टूबर की बात की जाए तो एक बात का ध्यान रखिएगा, आपके बच्चे जो है वो बहुत डिमांडिंग हो सकते हैं, आपसे बहुत ज्यादा चीजें मांगे, ये भी लेके दो, वो भी लेके दो, नखरेलू हो सकते हैं, तो बच्चों की आदतों पे थोड़ा कंट्रोल रखिएगा वरना परेशानी होगी। बच्चों को डांटिए नहीं, समझाइएगा। आपके प्रेम संबंध जो है वो दुनिया की नजर में आ सकते हैं, जो पुराने प्रेम संबंध थे, जो छुपे हुए प्रेम संबंध थे, उनका खुलासा हो सकता है। 25 और 26 तारीख को पढ़ाई लिखाई, बच्चों की जो है परीक्षा कंपटीशन, पढ़ाई लिखाई, होमवर्क के लिए दिन अच्छा है, ऊर्जा उत्साह भरा होगा, अच्छी तरीके से पढ़ाई लिखाई कामकाज होगा, फिर से आप खुशियों भरे दिन में अपने कामकाज में वापस आ जाएंगे, फेस्टिवल माहौल का थोड़ा सा असर कम होगा। 27, 28, 29 तारीख को बहुत ही खूबसूरत समय है, इंजॉय करेंगे, पैसा कमाएंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा, घर में आपके या आपके आस पड़ोस में या कहीं पर भी कुछ आयोजन हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है जिसको अटेंड करेंगे। आप अपने नौकरी में, अपने व्यापार में, अपनी पढ़ाई में, अपने परिवार में अपना पूरा योगदान देंगे, कोई आप नया घर ले सकते हैं, नए घर की बुकिंग करा सकते हैं, आपके पास कोई पोजीशन लेटर आ सकता है, आपने कोई घर बुक कराया हो, आपके पास चिट्ठी आ जाएगी, अब आपका घर मिलने वाला है 2 महीने बाद, कोई दुकान, घर, फैक्ट्री आपके हाथ आ सकती है। 30 और 31 तारीख को सब कुछ ठीक रहेगा, जो भी करेंगे उसमें आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब फूल के साथ थोड़े से कांटे होते हैं, छोटी मोटी ऐसी गतिविधियां होती रहेंगी जिससे आप ना खुश होंगे, खुशी के साथ थोड़ा सा तकलीफ भी होगी, लेकिन ये तकलीफ बहुत मामूली सी होगी, सब कुछ बढ़िया रहेगा। तो मेरे हिसाब से अगर मैं कहूं तो आपके लिए 100 में 100% अक्टूबर का महीना फलदायी है, मिथुन राशि वालों के लिए इंजॉय करें। अब करना क्या है, गणेश लक्ष्मी की तो पूजा करेंगे ही करेंगे आप, इसके साथ साथ हनुमान जी की भी उपासना करिएगा, बाकी दिवाली से जुड़े हुए विशेष उपाय की वीडियो देखना ना भूलिएगा, जल्द आ जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाइए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करिए। ये महीना आपके लिए आनंद का है, इसमें मैंने अच्छी बुरी तारीखें बताई, सप्ताह बताया, सब कुछ बताया ताकि आप आसानी से इस महीने को बिताएं और उसका एंजॉय कर सकें। कोई सलाह हो तो दीजिएगा। नमस्कार।